अगर आप सीमेंस पे काम किए तो पता होगा आपको कि सीमेंस का S7200 का एक लो एंड का PLC होता है, जो कि TI पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर उसका प्रोग्रामिंग नहीं होता है। उसके लिए एक अलग सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जो कि होता है माइक्रोविन, है ना। तो माइक्रोविन आज हमने स्टार्ट किया। माइक्रोविन के अंदर जैसे आप यहाँ पे देख लो कि इनपुट आउटपुट ऐड किया गया है, और यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि एड्रेसिंग जो है वो TI पोर्टल के साथ सेम ही है। वैसे मैं बता दूँ, TI पोर्टल का प्रोग्रामिंग कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में अभी शुरू हो रहा माइक्रोविन, तो आज इस वीडियो में माइक्रोविन के हम बहुत ही बेसिक फंक्शंस देखेंगे। बस दो इनपुट यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ऐड हो रहा है, और ऊपर में और एक है, तो इसको हम सिंपली PLC के अंदर डाउनलोड करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है वो सब इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम बस देख रहे हैं कि इनको प्रोग्राम कैसे किया जा रहा है, और साथ में प्रोग्राम डाउनलोड कैसे होगा। जैसे अभी इसको हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड बटन प्रेस किया हमने तो ये सर्चिंग चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, डाउनलोड क्लिक किया तो ओके करना है हमें परमिशन देने के लिए। सर्चिंग हो रहा है, कंप्लीट हुआ 100%, उसके बाद फिर से 100% बता रहा है। तो अभी ये प्रोग्राम PLC के साथ ऑनलाइन हो चुका है, जैसे नीचे दिखा रहा था डाउनलोड सक्सेसफुल। अभी हमने रन किया PLC, तो स्टार्टिंग पे मैं PLC से मैनुअली स्विच को ऑन ऑफ करूँगा। तो देखिए आप, अभी ये फर्स्ट स्विच ऑन हुआ, लाइट भी ऑन हुआ साथ में, अब दूसरा ऑन हुआ, अब तीसरा स्विच ऑन होगा तो साथ में लाइट भी ऑन होगा। ओके, नेक्स्ट होता है कि अगर आपको सिमुलेशन पे ऑन करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है फोर्स ऑन पे। फोर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर ऑफ़ करना हो तो सेम प्रोसेस, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और जो आपने यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। नीचे और एक बार देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट अगला वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन कैसे होता है। और अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ऑटोमेशन के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल है। ओके, और साथ में ट्यूटोरियल्स वीडियो आते रहता है क्या, और वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा। ओके, तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, फुल डिटेल्स रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, सिमेंट